ज्यादातर स्थितियां ऐसी आती हैं जिनमें हमारे पास दो विकल्प होते हैं, पर समस्या की बात यह है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमें चुनना क्या है, क्या हमारे लिए सही है। उन दोनों ही विकल्पों में एक विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बना सकता है और दूसरा ही विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को तहस नहस कर सकता है। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से, जो आपको बताएगी कि निर्णय कैसे लें, सही निर्णय कैसे लें। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में लोगों को कुछ समझा रहे होते हैं। सभी गांव वाले उन्हें बड़े प्रेम से सुन रहे होते हैं। यह उस समय की बात है जब लोग बुद्ध का बड़ा आदर सत्कार करते थे, पर ऐसा हमेशा से नहीं होता था। शुरुआत में जब बुद्ध किसी गांव में जाया करते थे तो बुद्ध का विरोध करने वाले लोग ज्यादा होते थे, पर जैसे जैसे लोगों ने बुद्ध को सुनना शुरू करा, लोगों की विचारधारा बदलने लगी और लोग बुद्ध से जुड़ने लगे, उन्हें पसंद करने लगे। सभी गांव वाले बुद्ध को ध्यान से सुन रहे थे। उन गांव वाले लोगों में ही एक व्यक्ति दूसरे गांव का भी बैठा बुद्ध की बातों को सुन रहा था। बुद्ध की बात पूरी होने के बाद बुद्ध वहां से उठकर जाने लगते हैं। वह व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के सामने आता है और बुद्ध को रोक लेता है और बुद्ध से हाथ जोड़कर विनती करता है कि बुद्ध कृपा कर आप एक बार हमारे गांव में भी आए। वह व्यक्ति एक किसान होता है। उस किसान की बात सुन गौतम बुद्ध का एक भिक्षुक उस किसान से कहता है, क्षमा करें पर हम कुछ दिन पहले ही तुम्हारे गांव में गए थे। पर वह किसान नहीं मानता। वह बुद्ध के चरणों में लेट जाता है और बुद्ध से विनती करता है, बुद्ध कृपा कर एक बार और आप हमारे गांव में पधारें। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, हम तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे, तुम चिंता मत करो। यह कहकर बुद्ध और उनके भिक्षुक वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ही बुद्ध और उनके कुछ भिक्षुक उस गांव के लिए प्रस्थान कर देते हैं। कुछ देर में ही बुद्ध और उनके भिक्षुक गांव में पहुंच जाते हैं। बुद्ध को देखते ही सभी गांव वालों की भीड़ उमड़ जाती है। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आते हैं और बैठ जाते हैं। लोगों के जो भी मन में आता है वो उस प्रश्न को बुद्ध से करते हैं और बुद्ध उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आ जाते हैं, पर वह किसान बुद्ध के पास नहीं आता। वह किसान बुद्ध के पास इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आज सुबह सुबह ही उसके दो बैल खो गए हैं, जो उसकी रोजी रोटी का साधन थे। वह घर में चिंतित बैठा हुआ है और यह सोच रहा है कि वह बैलों को ढूंढने जाए या फिर बुद्ध को सुनने जाए। वह पूरी तरह से दुविधा में फंस जाता है। उसके पास दो विकल्प होते हैं, या तो वह बुद्ध के पास जाए और उन्हें सुने, क्योंकि उसने ही बुद्ध को अपने गांव में आमंत्रित किया है, और दूसरा विकल्प उसके पास यह होता है कि वह अपने बैलों को ढूंढने जाए। बहुत देर सोचने के बाद वह एक विकल्प चुनता है। आपको क्या लगता है कि उसे क्या चुनना चाहिए? वह किसान चुनता है कि वह बैल ढूंढने जाएगा और वह वन में अपने बैलों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बुद्ध और उनके सभी भिक्षुक उस किसान का इंतजार कर रहे होते हैं जिसने बुद्ध को बुलाया है। बहुत देर इंतजार करने के बाद बुद्ध और उनके भिक्षुक गांव से वापस चले जाते हैं। किसान बड़ी मेहनत के बाद अपने दोनों बैलों को ढूंढ लाता है। किसान बहुत दुखी होता है
उसे खुशी तो होती है कि उसके बैल मिल गए, पर उसे दुख इस बात का होता है कि उसने ही तो बुद्ध को उसके गांव में बुलाया था और वह ही बुद्ध से मिलने ना जा सका। अगले दिन सुबह ही वह किसान बुद्ध को ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास पहुंचता है और उनके चरणों में लेट जाता है और रोने लगता है। बुद्ध उस किसान से कहते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? वह किसान बुद्ध से कहता है, बुद्ध मैंने ही तो आपको अपने गांव में बुलाया था और मैं ही आपसे मिलने ना आ सका। बुद्ध मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आ सका। कल मेरे दोनों बैल वन में खो गए थे। मेरे पास दो विकल्प थे, या तो मैं आपको सुनने आ जाऊं या अपने बैलों को ढूंढने चला जाऊं। बैल मेरी रोजी रोटी हैं, अगर वो मुझे वापस नहीं मिलते तो हमारे भूखे मरने की स्थिति आ सकती थी, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने चला गया। मुझे क्षमा करे बुद्ध, मैंने आपका अपमान किया है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति को अपने गले से लगा लेते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर तुम उस समय मुझसे पूछते कि तुम्हें क्या चुनना चाहिए तो मैं तुमसे वही कहता जो तुमने करा है, क्योंकि अगर तुम बैलों को ढूंढने की बजाय मुझे सुनने आ जाते तो तुम मेरा एक भी शब्द नहीं सुन पाते। तुम केवल अपने बैलों के बारे में ही सोचते, पर अब तुम्हारे बैल मिल गए हैं, अब तुम मुझे आराम से सुन सकते हो। बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जानकर कि तुमने कर्म को चुना है। बुद्ध की बात सुन उस व्यक्ति के मन से बोझ उतरता है और वह बुद्ध को बैठकर आराम से सुनता है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।